श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय सेवा एक बेहद का कार्य है और इसमें स्थूल कार्य के साथ साथ सूक्ष्म संकल्पों का भी उतना ही महत्व है। हर एक मनुष्य आत्मा, चाहे वह भाई है अथवा बहन है, चाहे वह समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं या फिर अपने घर में रहते हैं, हर एक का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इस महत्व को यथार्थ समझकर कैसे हम अपना सहयोग इस बेहद के कार्य में दे सकते हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल 74 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, मेमोरेंडम भी बनाएंगे, शमशान और गांव में भी जाएंगे, ये सब तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम देंगे? अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखाएंगे? ऐसा बहुत ही मतलब अलग तरीके के प्रश्न है, मतलब बहुत ही कंट्रास्ट है सूक्ष्म और स्थूल का। इस ईश्वरीय सेवाओं की वृद्धि के लिए जी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिवर्ष पूरे साल के एक साथ प्रोग्राम बनते हैं। हाँ जी। जब से बाबा अव्यक्त हुए तब से एक ग्रुप बनाया गया, मीटिंग, जिसमें हमारे मुख्य भाई बहने पूरे भारत के और विदेश के एक साथ इकट्ठे होकर के इस साल में हम ये योजनाएं हमारे सेवा की रहेंगी। तो परमात्मा को ये समाचार सुनाया गया है कि हमारी मीटिंग के अंदर ये बातें निकली हैं कि हम बोर्ड लगाएंगे, मेमोरेंडम तैयार करेंगे, क्योंकि परमात्मा समय प्रसमय कहते रहे हैं कि सबकी ओपिनियंस लो, जो सेवाएं आप कर रहे हो उसकी क्या रिजल्ट है। तो सब प्रोग्राम्स बनाए गए हैं सेवा के, और जब परमात्मा से पास कराने के लिए भेजा गया है तो परमात्मा हम सबको उसके आगे की श्रीमत दे रहे हैं जी। तो इसमें सेवा के अनेक साधन यहाँ हर वर्ष बनाए जाते हैं और उसमें कुछ न कुछ नवीनता भी रखी जाती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं स्थूल साधन तो बहुत अच्छे निकाले हैं और वो तो करेंगे ही, गाँव में जाते हैं वहाँ संदेश देते हैं, शमशान में लोगों को वैराग्य होता है वहाँ पर परमात्मा का आत्मा का ज्ञान देते हैं, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये सेवा के अनेक साधन तो बने हुए हैं और प्रतिवर्ष किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की जो स्थिति है, जो उनका चेहरा है, वो इतना खुशनुमा हो, इतना हर्षित हो, जो उनके चेहरे से सेवा हो, उनकी वाणी से सेवा हो, उनकी चलन से सेवा हो। तो अगर हम अंदर की फिल्म तैयार कर लें, जैसे हम बाहर की फिल्म दिखाते हैं और फिल्म में सारी बातें स्पष्ट करते हैं, ज्ञान को हम बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं और लोगों को उस पर प्रभाव भी पड़ता है, लोग समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा समय चलता है फिर भूल जाते हैं। लेकिन एक अनुभव करा दिया जाए और जो कराने वाला व्यक्ति है उसकी अंदर की इतनी अच्छी स्थिति हो, उसका खुशनुमा चेहरा हो, उसकी वाणी का इतना अच्छा प्रभाव हो, उसके अच्छे वाइब्रेशन हो, तो लोगों के ऊपर छाप पड़ेगी कि ये जो कहते हैं इनकी प्रैक्टिकल जीवन ऐसी है जी। तो परमात्मा हमको सूक्ष्म सेवा के विधियां समय पर समय सुनाते हैं। तो यहाँ पर भी स्थूल सेवाओं के साथ साथ वो साधन तो हम सब करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान खिंचवाया रहे। तो सब जो बोला मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगाएंगे, ये मस्तक कोई देखे तो उनको लगे कि कितना एकदम खुशनुमा मस्तक है, कोई भी प्रकार का तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है जी। कोई ऐसे तनाव के चिन्ह मस्तक पर नहीं है जी। तो वो जो मस्तक का बोर्ड है
जिससे परमात्मा का दर्शन हो जाए, आत्मा की निश्चिंत स्थिति का दर्शन हो जाए, तो ये मस्तक पर ऐसा आंतरिक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि गांव-गांव में अथवा हर स्थान में सदाकाल की शांति व आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूरत द्वारा दिखाओ व कराओ, तो क्या यह कम खर्च बाला नशीन सर्विस नहीं? बस अब कम खर्च बाला नशीन सर्विस। जब ये परमात्मा के महावाक्य उच्चारण हुए जी, उस समय बहुत सुंदर हमारा प्रोजेक्ट निकला। हाँ जी। और वो था राजयोग शिविर। जी। राजयोग शिविर की यहाँ शुरुआत हुई। जी। तो जो भी बहने हमारी दर्शनी के द्वारा संदेश गांव-गांव में देती थी, वहां पर उन्होंने योग की अनुभूतियां कराना शुरू की। और जब योग कमेंट्री कराते हैं तो बहुत अच्छी शांति का अनुभव करते हैं। जब एक बार अनुभव हो जाता कोई चीज का, तो उसको सुनना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, ये भिन्न भिन्न स्थूल साधनों के साथ साथ जब हम उनको अपनी स्थिति के द्वारा शांति का संदेश, परमात्मा का संदेश देते हैं, तो उसकी अनुभूतियाँ उनको जीवन को परिवर्तन कर सकती हैं। तो सेवा की एक नई विधि है जी। और इससे ही सेवाओं में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अनुभव कर लेता है कोई चीज़ का कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, अनुभव करने के बाद वो तुरंत अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। सुनी हुई बातें तो भूल सकती हैं, लेकिन अनुभव की बात, की हुई बात को भूला नहीं जा सकता है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन, सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है, स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठाएंगे, तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा? उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को जी, जिनको पांडवों का टाइटल दिया, महावीर का टाइटल देते, हाँ जी, जो मुख्य हमारे भाई हैं, जो इस ईश्वरीय सेवाओं की बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं जी, वो परमात्मा के सन्मुख हैं। और उनको परमात्मा कह रहे हैं, आप मेरे सपूत बच्चे हो, सर्विसेबल बच्चे हो, आज्ञाकारी हो, बहुत अच्छे अच्छे सेवा के प्लान्स बना रहे हो जी, लेकिन ऐसी कोई विधि बनाओ जो विहंग मार्ग की सेवा एक साथ हो जाए। क्योंकि प्रदर्शनी लगाई गई, कोई प्रोग्राम किया गया, सम्मेलन किया गया, तो थोड़े लोगों तक संदेश पहुंचता है, लेकिन पूरे विश्व को एक साथ संदेश पहुंचे, हमारे अच्छे कोई ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं ताकि सारी दुनिया में वो प्रचार प्रसार हो, उसके लिए हमें सूक्ष्म साधनों की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद एक और सेवा शुरू की गई, वो मनसा सकाश की जी, कि हमारी मन की स्थिति इतनी अच्छी हो, शक्तिशाली हो, जो हम एक स्थान पर बैठे हुए कई आत्माओं को इमर्ज करके जी, अपनी शुभ भावना का उनको सहयोग दे सकें, दान दे सकें। तो वो सेवा एक विहंग मार्ग की सेवा है। वाचा सेवा के द्वारा तो जितने लोगों को हम संदेश दे रहे हैं वहां तक पहुंचता है। हाँ जी। आज मीडिया बहुत अच्छी स्पीड में मदद करती है, मीडिया के द्वारा संदेश तुरंत चारों तरफ फैलता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, मीडिया के साथ साथ अंदर की जो मीडिया है, परमात्मा से मिलन, उस मिलन के आधार से मनसा जितनी शक्तिशाली होगी उतना चारों तरफ से सेवा का प्रचार प्रसार होगा। तो वो विधियां परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। तो सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है, क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि यह टीचर्स और दीदी दादी का ही काम है? तो सब ईश्वरीय मर्यादाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सभी के लिए, जो हमारी निमित्त बहने हैं उनको परमात्मा टीचर्स का टाइटल देते हैं, क्योंकि उनके आधार से ही सभी को ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है।
तो वो टीचर्स बहनें तो अपनी सेवाएं कर ही रही हैं। हाँ जी, वो खुद मर्यादा में चलती हैं, नियमों का पालन करती हैं, और जो आते हैं क्लास में स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं, उनको भी उस पर चलाने का प्रयास करते हैं जी। लेकिन जो निमित्त हैं, उनके साथ मददगार भाई हैं, जो पांडव हैं, जो मुख्य हैं, उनको परमात्मा कह रहे हैं केवल टीचर्स की जवाबदारी नहीं है, आपकी भी वो जवाबदारी है। तो अपने ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बनी हुई हैं इस विद्यालय के अंदर, जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में रहते हैं जी, सबके लिए मर्यादाएं हैं। हमारे स्मृति के लिए, वृत्ति के लिए, हमारे बोल के लिए, हमारे संकल्प के लिए सब मर्यादाएं बनी हुई हैं जी। और वो मर्यादाएं अगर यथार्थ कोई समझ लेता है, अपने जीवन में अपना लेता है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति बन जाती है। तो स्मृति के लिए जैसे मर्यादा है कि जो भी पास्ट की बातें हैं उसको भूलना है, फुल स्टॉप लगाना है। स्मृति में रहे कि मैं तो एक परमात्मा का बच्चा हूँ जी, सर्व संबंध मेरे एक के साथ हैं, इसलिए जो बीत गई है उसको याद नहीं करना, फुल स्टॉप लगा देना। वृत्ति के लिए एक वृत्ति को अनासक्त बनाना है, कहीं भी जाते सेवा करते कोई भी वृत्ति में आकर्षण न हो, कोई चीज हमें खींचे नहीं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं टीचर्स केवल मर्यादा में चलें और मर्यादा सिखाएं, इसके साथ साथ अगर जो निमित्त मुख्य भाई हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी इन मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करेंगे तो लोगों की अच्छी सेवा कर सकेंगे। सेवा के लिए परमात्मा हम सबको तैयार कर रहे हैं। हाँ, और इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि टीचर से भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, न कि टीचर्स। यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो, सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। क्योंकि जो भी घर गृहस्थ में रहते हैं जी, जो इन सेवाओं में जुड़े हैं और अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं जी, बिजनेस भी करते हैं जी, और कर्म क्षेत्र पर कई प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करते हैं जी, तो ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले जो एक सैंपल हैं, कैसे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, जैसे हम कीचड़ में हैं, कलयुग के अंदर हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं और उसमें रहते हुए भी बिल्कुल उससे न्यारे हैं, कमल फूल के समान हैं, कोई भी प्रकार का कीचड़ नहीं लगता। तो परमात्मा कहते हैं एक बहुत बड़े सैंपल्स आप हो, आपको देख करके लोग आएंगे। तो टीचर्स तो न्यारी होकर के अपने समर्पित जीवन से सेवाएं दे रही हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहने वाले सब कर्म क्षेत्र पर हर कार्य कर रहे हैं, उस कलयुग के वातावरण में रह रहे हैं और उसमें रहते हुए भी उन्होंने अपनी न्यारी प्यारी स्टेज बनाई है जी, उस कीचड़ से न्यारे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपका विशेष पार्ट है, क्योंकि आपको देख करके लोग समझ सकते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई जा सकती है। बिल्कुल। तो सैंपल प्रवृत्ति वाले हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले, और अगर वो ऐसा आदर्श जीवन बना लेते हैं तो लोग इस ज्ञान को सहज समझ सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब। फिर परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति वृत्ति दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई हैं, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती हैं? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। फिर मर्यादाएं सर्विस का साधन कैसे हैं? ईश्वरीय मर्यादाओं की एक बाउंड्री है, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, जो प्रवृत्ति में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, उनको किस प्रकार के संकल्प रचने हैं, क्योंकि संकल्पों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर संकल्प बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक चिंतन करने की कला आती है, बोल में बहुत मधुरता है, कम बोलते हैं, अच्छे शब्द उच्चारण करते हैं, तो बोल का प्रभाव, संकल्प का प्रभाव, उनकी वृत्ति का, उनकी दृष्टि का, जो इसके लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बनी हुई हैं, जो उनको दृढ़ता से पालन करते हुए अपने जीवन को बनाते हैं, उनके द्वारा न कहते हुए भी सेवा होती है।
परिवार में हैं, घर गृहस्थ में हैं, हर एक कार्य में वो मदद करते हैं, दूसरों के संपर्क में आते हैं, तो वो देखते हैं कि ये लोग अपनी ईश्वरीय नियमों में, अपनी मर्यादाओं में कितने मजबूत हैं। जो ये कहते हैं वो उनकी प्रैक्टिकल जीवन में है, तो मर्यादाओं द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होती है। अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर पड़ जाता है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मानो हम कहते हैं हमें शुद्ध धन खाना चाहिए, हमें योगियों के हाथ का भोजन करना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए, तो हम ये सब दूसरों को नियम अगर हम बताते हैं तो हम उसको कहाँ तक अपने जीवन में लाए हैं, कितना हम पालन कर रहे हैं। जितना हम नियमों को, मर्यादाओं को पालन करते हैं, उतना लोगों को प्रेरणा मिलती है और एक सेवा का अच्छा साधन बन जाता है। जी, ऐसा परमात्मा हमसे कहते हैं कि पहला चैलेंज जो आज तक न कोई कर सकते हैं और न करेंगे, वह फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी का। संपर्क और संबंध में रहते, संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी न हो। फर्स्ट वायदा कौन सा है? वह यही है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम ही से खाऊं, अथवा मेरा तो एक दूसरा न कोई। बात तो एक ही है, जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है, वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन दोनों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है? वास्तव में जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जी, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में प्रवृत्ति में रहते हैं, सबके लिए एक मर्यादा बनी हुई है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र जीवन जीनी है, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, और घर गृहस्थ में रह करके कोई पवित्र जीवन जिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए बात बहुत असंभव सी है। लोग तो कहते हैं कि आग और कपूस एक साथ रह करके कैसे रह सकते हैं। विकारों को वो लोग इतना मुश्किल समझते हैं, और उसके लिए उनको घर गृहस्थ छोड़ना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है। परमात्मा ने हम सबको इतनी शक्ति दी है, योग के द्वारा ऐसी शक्ति देते हैं कि आप पति पत्नी साथ रहो, घर गृहस्थ में रहो, हर कार्य क्षेत्र में अपने कर्म करो, लेकिन इन विकारों की आग न लगे, आपकी पवित्र जीवन बन जाए। तो ये जो चैलेंज है कि हम रहेंगे परिवार में, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन इन विकारों से हम मुक्त रहेंगे, तो विकारों पर विजय प्राप्त करने की जो चैलेंज है, वो मनसा वाचा कर्मणा, हमारी मन वचन कर्म इतना शुद्ध और पवित्र बन जाए, वो चैलेंज परमात्मा कहते हैं जब ये प्रैक्टिकल आप दिखाएंगे तब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। जो भक्ति के अंदर वायदा किया है, जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, अगर किसी को संपूर्ण निश्चय हो गया कि परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, उनको नई दुनिया बनाने के लिए, सतयुग की स्थापना करने के लिए हम बच्चों का केवल एक ही सहयोग चाहिए, और वो सहयोग है अपने मन वचन कर्म की पवित्रता का, शुद्धता का। जब ये बात किसी की बुद्धि में बैठ जाती है कि परमात्मा के इस स्थापना के कार्य में मुझे सहयोगी बनना है, तो उसके लिए वो फिर सब कुछ त्याग करके, विकारों का, बुराइयों का, घर गृहस्थ का नहीं, अच्छी चीज का परमात्मा त्याग नहीं कराते जी। जो बुरी चीजें हैं, जो नुकसान दे रही हैं, जिससे हमारा पतन हो रहा है, उनका त्याग करा करके हम सबके भाग्य को ऊंचा बनाते हैं। तो विकारों का त्याग करके हम घर गृहस्थ में रह करके निर्विकारी जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, बहुत बड़ी चैलेंज है, और वो चैलेंज जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे द्वारा सेवाएं होती हैं। तो सर, परमात्मा कहते हैं कि इस संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहली यह है, सर्व मजबूरियों को हटाना, पहले स्वयं की और फिर संसार की। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यह है जिम्मेवारी। बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी यह नवीनता व विशेषता देखना चाहती है, सब मजबूरियों को हटाना और मजबूत बनना। कई बार हम लोग कहते हैं हम तो मजबूर हैं, हमको ये करना पड़ता है जी। जैसे घर गृहस्थ में रहने वाले कहें कि हम मजबूर हो गए हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, मुझे दूसरों के हाथ का खाना पड़ता है, मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो परमात्मा कहता है अगर तुम अपनी मजबूरियों के अधीन हो, तुम ही मजबूर हो, तो दुनिया जो इतनी मजबूर हो गई है,
उनकी मजबूरी को कैसे हटाओगे। बिल्कुल, इसलिए खुद मजबूत बनो, खुद शक्तिशाली बनो और दृढ़ता के संकल्प से अपनी मजबूरी को समाप्त करो। ये हमारे कमजोर संकल्पों के कारण मजबूरी है। जहाँ दृढ़ता है, जहाँ लगन है, वहाँ कोई भी बात रुकावट नहीं डालती। अगर कोई समझ ले, मान लो आज प्रवृत्ति में रहते हैं, आज हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक ड्रेस यूनिफॉर्म सफेद ड्रेस, परमात्मा ने प्रवृत्ति वालों को कहा है कि आप कहीं भी जाते हो भले रंगीन ड्रेस पहनो, समर्पित के लिए कंपलसरी है लेकिन प्रवृत्ति वालों के लिए रंगीन ड्रेस चल सकती है। जी। लेकिन अगर कोई दृढ़ संकल्प कर ले कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी इतनी स्वच्छ ड्रेस में रहेंगे, सफेद ड्रेस में रहेंगे, तो मजबूरी तो इसमें कोई है ही नहीं, अपने संकल्पों की दृढ़ता है। बिल्कुल, कोई क्या करेगा। अगर हम संकल्प में प्रवृत्ति में रहते हुए हम सोचते हैं कि हमें शुद्ध अन्न खाना है, हमें बाहर का नहीं भोजन करना है, किसी के भिखारी के हाथ का नहीं लेना है, तो अगर हम संकल्पों में दृढ़ हो जाते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं। अगर हमारे संकल्प ही कमजोर हैं, कोशिश करेंगे ये तो बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी में तो करना पड़ता है, तो परमात्मा कहता है मजबूरी नहीं है, अगर तुम मजबूत बन जाओ तो ये मजबूरियां समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। और जब ये मजबूरियां आपकी समाप्त होंगी तब आप निमित्त बनोगे दूसरों की मजबूरी को खत्म करने के। बस अब परमात्मा कहते हैं कि आगे चलकर जितने सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे वह मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे CID होंगे, ऐसे ही सहज थोड़े ही मानेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम प्रवृत्ति में रह करके इन विकारों को जीता है, जी, कोई चैलेंज करे कि हमने इन विकारों को संपूर्ण रीति से जीता है, जी, तो ऐसे सहज कोई मानेगा नहीं। कि आप घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, साथ रह रहे हैं और कहते हैं हम विकारों पर विजय प्राप्त की हुई, तो वर्तमान समय तो कई ऐसे साधन साइंस के निकले हैं जो हमारे संकल्पों को भी परख सकते हैं, कितने अच्छे संकल्प हैं, कितने नेगेटिव संकल्प हैं, उनके लिए भी मशीनें बना दी साइंस ने। तो परमात्मा कहते हैं तुम कहते जो हो प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, जांच होगी। विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग आज हमारी बात को ऐसे सहज नहीं मानेंगे। बिल्कुल। हमारे कर्म जो हैं, हमारी अगर अंदर की स्थिति है तो हम निर्भय होकर के हम कह सकते हैं, भले कोई भी आए चेक करे, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है। तो परमात्मा कहता है कि CID के रूप में लोग चेक करेंगे, जांच करेंगे, इनको गुस्सा आता है या नहीं, दिलाएंगे सामने से आकर के, आपको ऐसा बोलेंगे, कभी चलते चलते आपका डिसरिगार्ड कर देंगे, आपकी बात को कट कर देंगे, देखेंगे कि इनके अंदर क्रोध है या नहीं है, इन्होंने कहाँ तक विजय प्राप्त किए। दूसरों को तो कह रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ वृत्ति नहीं रखनी चाहिए, मोह किसी में नहीं रखना चाहिए। दूसरों को अगर हम कह रहे हैं ये काम क्रोध नरक के द्वार हैं और हम प्रैक्टिकल कह रहे हैं हमने इस जीवन में इन बातों को अपनाया है, तो लोग कहने से नहीं मानेंगे, उसको किसी न किसी विधि से जांच करेंगे। तो हम कहाँ तक उसमें पास होंगे। परमात्मा कहते हैं कि आप सबके पीछे ऐसे CID आएंगे, इसलिए जो कहते हो आपकी प्रैक्टिकल जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि ईश्वरीय सेवा के लिए हमें स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों का भी प्रयोग करना है और जीवन में पवित्रता को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। भाई साहब, आपके स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधनों को भी अपनाना है, प्लान के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी प्लेन रखना है, तभी हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। परमात्मा ने बताया कि हमें अमृत वेले से लेकर जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्मृति के लिए मिली हैं, उन सभी मर्यादाओं को प्रैक्टिकल अपने जीवन में लेकर आना है, तभी हम ईश्वरीय सेवा लास्ट सो फास्ट कर सकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार, सपूत बच्चों की जिम्मेवारी, सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन, अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई हैं, वह बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे। फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज, वायदा और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, चैलेंज प्यूरिटी का। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratan@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।